हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर स्पेशल तिल और गुड़ के टेस्टी और हेल्दी लड्डू। और ये लड्डू मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगी। आई होप कि आपको मेरी ये तिल और गुड़ के लड्डू की रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम तिल गुड़ के लड्डू कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर तिल ले लिए हैं और ये तिल मेरे भुने हुए तिल हैं। तिल को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। बिगर घी डाले ही हमें तिल को भूनना है फ्रेंड्स, और इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, नहीं तो तिल जो है हमारे बहुत ही जल्दी जल जाएंगे, क्योंकि तिल बहुत हल्के होते हैं। तो अगर तिल जल जाएंगे तो फिर इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, तिल को भूनते टाइम ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया है गुड़। तो फ्रेंड्स, गुड़ को यहाँ पे मैं पकाकर नहीं ले रही हूँ, कच्चे गुड़ के ही लड्डू बनाने वाली हूँ। तो गुड़ को मैंने इस तरह से कढ़ाई में ही तोड़ लिया है, इस तरह से इसे कूट लिया है अदरक कूटने वाले से। तो अगर आप गुड़ को कूटना नहीं चाहें तो फिर इस तरह से ग्रेट भी कर सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे आप उसी तरह से गुड़ को कूट सकते हैं या फिर ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने गुड़ को अच्छे से कूट लिया है कढ़ाई में, क्योंकि ये मेरी बाहरी तले वाली कढ़ाई है। तो गुड़ हमारा कूट कर रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमें गुड़ को कूट लेना है, नहीं तो फिर ग्रेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, गुड़ हमारा कूट कर रेडी हो गया है। और अगर आपको गुड़ में कोई भी बड़ा पीस दिखे तो आप इस तरह से हाथों से मैश कर सकते हैं। गुड़ बहुत ही सॉफ्ट होता है, ईजिली मैश हो जाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तिल और गुड़ हमारे तैयार हो गए हैं। तिल अब हम पीसेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ तिल मैंने साबुत ही रख लिए हैं और बाकी के तिल जो है मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये तिल मैंने मिक्सी के जार में डाल दी, इसे हमें पीसना है। और जो ये तिल है वो हमें साबुत ही रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तिल है जो हमारे अच्छे से पीस चुके हैं, और अब ये पिसे हुए तिल हम डाल देंगे गुड़ में, मिक्स कर देंगे। जो गुड़ हमने कूट कर रखा है तो सारे तिल हमने डाल दिए हैं। और फ्रेंड्स, तिल को पीसते टाइम हमें मिक्सी को चलाना है, रोकना है, चलाना, रोकना, इसी तरह से हमें तिल को पीसना है। और ये मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी बादाम को भी मैंने पीस कर ले लिया है, अच्छे से इसका फाइन पाउडर बनाया है। तो ये गुड़ मैंने कुछ एक्स्ट्रा लग रहा था तो थोड़ा सा साइड में बचा कर रख लिया है, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें डालूंगी, नहीं तो फिर छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो तिल हमने साबुत रखे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ और पिसे हुए तिल, साबुत तिल और ये बादाम डाल दिए हैं, और इसको अब अच्छे से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कढ़ाई से परात में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि कढ़ाई में अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था, छोटी पड़ रही थी कढ़ाई। अब यहाँ पे हमने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब इसको हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है, आप देख सकते हैं इसी तरह से। अगर आपको मिक्स करते टाइम कोई गुड़ का पीस दिखे तो आप उसको हाथों से ही ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ जो है हमारा बहुत ही सॉफ्ट होता है, हाथों से ईजिली ब्रेक हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करी थी जो कि मेरी स्किप हो गई है। यहाँ पर मैंने चिरौंजी ऐड करी थी, वो स्किप हो गई है। तो अगर आप डालना चाहें तो चिरौंजी भी डाल सकते हैं, चिरौंजी डालने से और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें एक मेन चीज़ ऐड करते हैं लड्डू बनाने के लिए। तो ये मेन चीज़ है फ्रेंड्स, घी। घी के बिना तो लड्डू अधूरे ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ देसी घी, और घी को मैंने अच्छे से गर्म किया है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो हम घी को अच्छे से गर्म करके डालेंगे। और घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको जितना घी डालना है आप उतना डाल सकते हैं, पर घी डालना ज़रूरी है, घी डालकर बनाएंगे तो ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने लड्डू बनाना शुरू कर दिया है, और फटाफट हमें लड्डू बनाने हैं, नहीं तो जो घी है वो हमारा जमने लगेगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, लड्डू बनाना शुरू करते हैं फटाफट से। तो लड्डू का साइज़ आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर रख सकते हैं, छोटा या बड़ा, जैसे लड्डू आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं छोटे साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि तिल के लड्डू छोटे साइज़ के ही होते हैं और इजीली एक लड्डू हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं, और एकदम परफेक्ट साइज़ है तिल के लड्डू का।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे तिल और गुड़ के लड्डू बनकर हमारे तैयार हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी यम्मी और हेल्दी बने हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स कितने सॉफ्ट लड्डू बने हैं हमारे, क्योंकि हमने गुड़ को पकाकर नहीं बनाया है। क्योंकि अगर हम गुड़ को पकाकर बनाते तो थोड़े लड्डू सख्त भी होते और थोड़ा सा टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है अगर हम गुड़ को पकाकर बनाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम अगर कच्चे गुड़ के लड्डू बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। सो फ्रेंड्स विंटर सीजन तो चल ही रहा है, आप इस तरह से तिल और गुड़ के लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये तिल और गुड़ के लड्डू हमारे कैसे बने हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इसीलिए फ्रेंड्स बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।